नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। साल के बदलने के साथ ही एक बार फिर मौसम में बदलाव आने लगा है। जहां दिसंबर में मौसम खुशनुमा बना हुआ था, वहीं अब एक बार फिर मौसम ने करवट बदल ली है, जिसके कारण ठंडी हवाओं के साथ ही शहर भर में वर्षा भी हुई, जिसके कारण तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। दरअसल हिमालय पर्वत में वातावरण के साथ ही ठंडी हवाओं का दौर शुरू हो चुका है, तो जिले में कई जगह बारिश भी हुई है, जिसके कारण तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। वहीं तापमान की बात करें तो अभी 27 डिग्री अधिकतम तापमान, तो वहीं 14 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं बीती रात जिले भर में लगभग 11 मिलीमीटर वर्षा भी दर्ज की गई है। साथ ही आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है, तो कई जगह हल्की बारिश होने की संभावनाएं भी हैं। वर्तमान मौसम की बात करें तो वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जो अधिकतम तापक्रम है वो अब 27 डिग्री के आसपास बना, और जो न्यूनतम तापक्रम है वो भी अब कल की तुलना में आज गिर गया और अब वो 14 डिग्री नोट किया गया। और ये जो मावठा या ये कहें कि हम बूंदाबांदी कल देखने को मिली है, हिमालय में एक डिस्टर्बेंस हुआ था, उसकी वजह से जो हवाओं की दिशा में परिवर्तन हुआ और हवाओं में हमको नमी प्राप्त हुई, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो कल हमको हमारे ऑब्जर्वेटरी में 11 mm पानी दर्ज किया गया। और आने वाले दिनों की बात करें तो आने वाले दिनों में हम देखते हैं तो जो अधिकतम तापक्रम है उसमें 1.5 से 2 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी कि ये 26 और 27 के बीच रहने की संभावना। और जो न्यूनतम तापक्रम है वो जरूर 2 डिग्री गिरेगा और वो 11 और 12 डिग्री के आसपास रहने की संभावना व्यक्त की जाती है। और हवाओं की दिशाओं की बात करें तो हवा की दिशा 2 दिन पश्चिम से चलेगी, उसके बाद हवाओं की दिशा में बदलाव होगा और फिर 5-7 तारीख के बाद में एक बार फिर से हमको हल्की बूंदाबांदी या रिमझिम पानी देखने को मिल सकता है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।